इम्प्रूव योर वोकैबलरी के इस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और अभी 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हमारा फेस्टिव ऑफर चल रहा है, जिसमें हम सभी SSC CGL कोर्सेज, टेस्ट सीरीज वगैरह पर और साथ ही हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं पिनाकल के और साथ ही फ्रंटियर आईएएस के उन पर हम 50% ऑफ दे रहे हैं। ये जो ऑफर है ये 10 से 15 अक्टूबर तक है, सभी प्रोडक्ट्स पर हमारे 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आज का पहला शब्द है स्कैफोल्ड, SCAFFOLD स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड क्या होता है? स्कैफोल्ड जो है ये एक लकड़ी का ढांचा होता है। अब इस लकड़ी के ढांचे पर हो सकता है इसके ऊपर वर्कर्स चढ़कर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, या फिर जहां पर फांसी लगाई जाती है उससे अधिकतर इसको एसोसिएट किया जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लकड़ी का ढांचा होता है, उस पर जिसको फांसी लगाई जाती है वो बेचारा यहां से लटका दिया जाता है। इस ढांचे को कहते हैं हम स्कैफोल्ड। ओके, ये क्या है? ये एक संज्ञा है और इसका प्लूरल होता है स्कैफोल्ड्स। सिनोनिम इसके फ्रेम हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, डाइस वगैरह जो हैं वो इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे हम? ओके, अगर मैं उस टाइम की बात करूं जब भारत आजाद नहीं था, तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे उनको जब ले जाया करते थे फांसी पर चढ़ाने के लिए, उससे एसोसिएट करके एक सेंटेंस बनाते हैं। द मार्टर्स मेट देयर डेथ ऑन द स्कैफोल्ड विद डिग्निटी सिंगिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। मार्टर्स कौन होते हैं? मार्टर्स शहीद होते हैं। ओके, सो हाउ डिड द मार्टर्स मीट देयर डेथ? जो शहीद थे वो उन्होंने किस तरह से अपनी मौत स्वागत किया? दे सैंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, उन्होंने देशभक्ति के गाने गाए। अगला शब्द है हमारा नोस्ट्रम, NOSTRUM, नोस्ट्रम। ओके, अब नोस्ट्रम क्या होता है? ये एक संज्ञा होती है और ये एक क्वैक मेडिसिन होती है। क्वैक मेडिसिन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मेडिसिन जो गलत दे दी गई है, नहीं देनी चाहिए थी, वो बेअसर साबित होगी बीमारी के ऊपर, वो इनइफेक्टिव होगी। इनइफेक्टिव का मतलब है कि उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, उसको हम कहते हैं नोस्ट्रम। अब इसको याद कैसे किया जाए? याद इसको ऐसे किया जाए कि रम क्या होती है? एक प्रकार की शराब होती है। ओके, अगर किसी को लगता है कि रम पीने से उसके नोस्ट्र, ये नोस्ट्र लिखा है ना, तो उसके नोस्ट्रल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसके नोज की रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो ये एक इनइफेक्टिव मेडिसिन है। पेटेंट मेडिसिन हुज एफिकेसी इज क्वेश्चनेबल, एफिकेसी का मतलब होता है एफिशिएंसी, कि वो काम करेगी कि नहीं। क्वैक मेडिसिन है ये। रम विल क्योर वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द नोज, सच अ मेडिसिन इज क्वेश्चनेबल। ओके, ये था हमारा वर्ड नंबर 2। गांव में, जो शहरों में भी जो झोला छाप डॉक्टर्स घूमते हैं साइकिल के ऊपर, वो किस तरह की मेडिसिन दे देते हैं? वो काफी बार नोस्ट्रम्स दे देते हैं। ठीक है, द डॉक्टर गेव अ क्वेश्चनेबल नोस्ट्रम टू हिज पेशेंट आफ्टर विच द पेशेंट बिकेम अनकॉन्शियस। यस, उसके बाद पेशेंट जो है वो बेहोश हो गया। ये था हमारा वर्ड नंबर 2। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना। ठीक है, मंत्र मुग्ध कर देना। किन चीजों को देखकर आप मंत्र मुग्ध होते हैं? आप किसी खूबसूरत चीज को देखकर मंत्र मुग्ध हो सकते हैं, लाइक द ताजमहल। ओके, या फिर आप कहीं पहाड़ों में गए, वहां पर प्राकृतिक छटा को देखकर आप मेस्मराइज हो सकते हैं। आपने बहुत खूबसूरत लड़की को सड़क पर देखा तो सभी लड़के मंत्र मुग्ध हो सकते हैं। कोई बहुत अच्छा गाना सुनकर आप मंत्र मुग्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो मेस्मराइज का मतलब होता है मंत्र मुग्ध होना। ये एक क्रिया है, वर्ब है, और मेस्मराइज, ओके, इसका पास्ट टेंस होता है मेस्मराइज्ड। अगर आप बहुत अच्छे से ये सभी वोकैबुलरी के वर्ड मेमोराइज कर लेंगे, यानी कि उनको लर्न कर लेंगे, तो मैं भी तो आपका इंटेलिजेंस देकर मेस्मराइज हो सकती हूँ, मैं भी तो मंत्र मुग्ध हो सकती हूँ फिर। ओके, तो आप इसको मेमोराइज से रिलेट करें, मेस्मराइज। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मंत्र मुग्ध होना, एंथ्रॉल, फैसिनेट, हिप्नोटाइज, स्पेल बाउंड, कैचअप, ये सभी जो है ये इसके सिनोनिम है। इसका विपरीतार्थक क्या है? इसका विपरीतार्थक होता है बोर करना किसी को। यस, वो बिल्कुल बोर हो रहा है, पक गया वो आपसे, टायर, थकना, डिसगस्ट, परेशान होना, रिपेल, डिसएंचांट, टर्न ऑफ, ये सभी जो है ये इसके ऑपोजिट्स हैं। ओके, अब सेंटेंस बनाते हैं। द पीपल वर मेस्मराइज्ड बाय द सिंगर्स परफॉर्मेंस, सिंगर की परफॉर्मेंस से जो लोग थे वो मेस्मराइज हो गए। व्हेन आई सॉ द ताजमहल आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी। ओके, तो ये था हमारा वर्ड नंबर 3, मेस्मराइज। नेक्स्ट,
अभी हमारा फेस्टिव ऑफर चल रहा है फ्रॉम 10th of October to 15th of October, जिसमें सभी पिनाकल प्रोडक्ट्स पर और साथ ही फ्रंटियर आईएएस के प्रोडक्ट्स पर एचसीएस, आरएएस, आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा, इन सभी के ऊपर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है फ्रॉम 10th October to 15th October. अगला शब्द एरुडाइट, ई आर यू डी आई टी ई, एरुडाइट. ओके, ये जो वर्ड है इसका जो फर्स्ट पार्ट है ई आर यू डी, ये मुझे याद दिलाता है ई डी यू की, और ई डी यू मुझे और आगे याद दिलाता है एजुकेशन की, शिक्षा की. तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिक्षित हो, जिसको बहुत डीप नॉलेज हो चीज़ों की, उसको हम कहेंगे एरुडाइट. तो एरुडाइट स्कॉलर हो सकता है, एरुडाइट स्टूडेंट हो सकता है, एरुडाइट रिसर्चर हो सकता है. तो अ पर्सन having deep, profound का मतलब क्या होता है? Deep. A person having deep knowledge, learned or deeply read व्यक्ति, उसको हम erudite कहते हैं. ये एक विशेषण है, adjective है. और edu जो है, मैंने आपको जैसे बताया, मुझे तो ये शिक्षा की याद दिलाता है. वैसे आप अपने भी अगर tricks develop करना चाहें तो आप कर लीजिए. आप में से जो भी student ये video देख रहा है और उसको लगता है कि वो कोई trick बता सकता है word को याद करने के लिए, please आप comment section में बताएं. इससे बहुत से students का भला होने वाला है, ठीक है? आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या हमें साथ साथ वर्ड्स लिखने भी हैं. ये सब लिखना नहीं है, बस इसको ध्यान से देखो. और साथ में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए. पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और पीडीएफ में वो सभी अतिरिक्त जानकारी दी गई है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है? अब सिनेनम क्या होगा इसके? इसके सिनेनम जो है नॉलेजेबल. नॉलेजेबल होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छा नॉलेज हो, स्कॉलरली जिसको अच्छा ज्ञान हो, ब्रेनी जिसका अच्छा दिमाग हो, वेल एजुकेटेड बहुत अच्छा शिक्षित, लर्नेड समझदार, स्कॉलिस्टिक स्कॉलर से आया, स्टूडियस पढ़ाकू, वेल रेड. किसी भी चीज़ पर अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, गहरी गहन नॉलेज है, तो ये शब्द आपके लिए यूज हो सकता है. ऑपोजिट क्या होगा इसका? ऑपोजिट होगा गंवार, अनपढ़, अनएजुकेटेड, इग्नोरेंट, अनकल्चर्ड. ये सभी जो है ये इसके ऑपोजिट है. सेंटेंस बनाते हैं इस वर्ड से. माय एरुडाइट डॉटर हैज बीन अ टॉपर थ्रू आउट हर स्कूलिंग. यानी कि मेरी जो बहुत शिक्षित बेटी है वो अपनी स्कूलिंग में भी सदा टॉपर रही है. ओके, अगला सेंटेंस. द एरुडाइट टीचर लैक्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कुड नॉट टीच वेल. कि टीचर नॉलेजेबल तो बहुत ही, पर अच्छा नहीं पढ़ा पाई, क्योंकि उसकी अच्छी उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो अच्छी नहीं थी. अच्छा पढ़ाने के लिए बहुत कुछ चाहिए. अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, अच्छे एक्सप्रेशन चाहिए, अच्छी टीचिंग स्किल्स चाहिए. तो ये था हमारा वर्ड नंबर 4. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इनवेटरेट, आई एन वी ई टी ई आर ए टी, इनवेटरेट. इसका मतलब होता है डीप रूटेड, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत गहरी आपके अंदर इस्टेब्लिश की गई हो, हैबिचुअल, जिसकी आपको बहुत आदत पड़ गई हो. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है ये. ओके, हैबिट्स आपकी इनवेटरेट हो सकती हैं, ट्रेडिशन इनवेटरेट हो सकता है. अब इसके सिनोनिम होंगे एडिक्टेड, जिसकी आपको लत लग गई है, हैबिचुअल आदत पड़ गई है, हार्डन्ड जिसमें आप पक गए हैं, अकस्टम्ड आदि होना, डीप रूटेड, डीप सी habitual, inbred, okay? inbred मतलब आपके अंदर ही ये चीज़ है, incorrigible, long lasting, ये सभी synonyms हैं. और इसका opposite क्या होगा? इसका opposite होगा short lived, जो बहुत थोड़े समय के लिए रहे, उसके लिए यहाँ पर ये इसका ये opposite है. okay? अब इनवेटरेट, अब इससे एक सेंटेंस बनाते हैं आपके लिए कि जो कामयाब लोग होते हैं, आप देखना जब भी आप किसी कामयाब व्यक्ति की जीवनी वगैरह पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा रीडिंग करता था, उसके घर में उसके अपनी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, और इस तरह की बातें आप पाएंगे. तो इसी से जैसा ही एक सेंटेंस बनाती हूँ आपके लिए कि मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव इनवेटरेट हैबिट ऑफ रीडिंग. ये था हमारा पहला सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस बनाती हूँ आपके लिए. ये डीप रूटेड है ना इसका मतलब, तो पॉलिटिशियंस हैव सक्सीडेड इन डेवलपिंग इनवेटरेट हॉस्टिलिटी बिटवीन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, कड़वाहट. बहुत गहरी शत्रुता विकसित कर दी है दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस ने एक दूसरे कंट्री के खिलाफ. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस था. अब हम चलते हैं आज की क्विज पर. उस पर जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं. आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे. ओके, इस वीडियो के लिए हम टारगेट ले रहे हैं 3000 व्यूज विद इन 24 आवर्स, और साथ ही साथ 400 लाइक्स का ये हमने टारगेट लिया हुआ है. पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा. आज की क्विज, क्विज फॉर द डे,
टेम्पररी प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स वो पायर है, स्कैम्पर है, स्कैबर्ड है या स्कैफल्ड है, और फर्मली एंड लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड को हम क्या कहेंगे, इनवेटिरेट, इनवेस्टिएंट, इनवर्टिब्रेट या नन ऑफ दीज। ओके, तो दोनों आंसर्स को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास समय है तो आप कमेंट सेक्शन में जो शब्द मैं बताती हूँ इनसे सेंटेंसेस भी बनाने की कोशिश करो। एक बार सेंटेंस बनाने लगोगे, रिटन में कर दोगे, तो फिर उसके बाद आपको चीजें याद रहेंगी, भूलेंगे आप नहीं। ओके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर देखें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।